नमस्कार, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। आज पूरे देश में रंगों के त्योहार होली को बड़े उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही लोग गुलाल लगाते हुए नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट किया है, होली के शुभ अवसर पर भारत और विदेश में रह रहे सभी देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं। रंगों का त्योहार होली वसंत और समाज में सौहार्द का उत्सव होता है। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी होली धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री कमलनाथ और भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को होली की बधाई दी है। अशोकनगर के हृदय स्थल गांधी पार्क पर हिंदू उत्सव समिति द्वारा अलग ही तरीके से होलिका दहन किया गया। होलिका दहन के अवसर पर आतंकी मसूद अजहर का पुतला दहन किया गया। होलिका दहन के समय आतंकी मसूद अजहर का पुतला जलाने के साथ ही लोगों ने हमेशा के लिए आतंकवाद के खात्मे का दृढ़ संकल्प लिया है और बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया है। रंगों के पर्व होली के अवसर पर कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा ने प्रदेशवासियों को होली की बधाई दी है। शहर के 6 नंबर बस स्टॉप पर होलिका दहन कार्यक्रम में शामिल हुए पीसी शर्मा ने कहा है कि रंगों का त्योहार होली एकता में अनेकता का प्रतीक है और सभी को इसे मिलजुल कर आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ मनाना चाहिए। तो बता दें आपको, जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने भोपाल में प्रदेशवासियों को होली की बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है। साथ ही होलिका दहन कार्यक्रम में भी पीसी शर्मा ने शिरकत की। खबर दमोह से है, जहां होली का पर्व पुरानी रीतियों पर मनाया गया। होलिका दहन पर दमोह में बुंदेलखंडी रीति रिवाजों के अनुसार होलिका दहन किया गया। साथ ही महिलाओं ने बुंदेलखंडी होली के गीत गाकर इस पर्व को मनाया है। बुंदेलखंडी में परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए आज भी लोगों के मन में उत्सुकता है, साथ ही वह इस परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। Yeah.